बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आई एम फैसल अब्दुल्ला फ्रॉम ओसरुक रियल्टर्स, इस्तांबुल मेन ब्रांच है हमारी। वेल जनाब, अभी की जो करंट आज की वीडियो है, इस पर हम बात करेंगे तुर्की की करंट सिचुएशन के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं, इस पर बहुत सारी बात हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रू फैक्ट्स नहीं दिए जाते हैं। मेरा लास्ट चैनल जो था उसके ऊपर मोर देन 200 वीडियोज़ थी, जिस पर मैंने बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी तुर्की से रिलेटेड दी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली गॉट हैक्ड, और जिन्होंने किया उन्होंने भी पता है। लेकिन एनीवे, नए चैनल से दोबारा आगाज़ कर लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। सो उस पर मैंने वो एक्टिव है, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन वीडियोस आप देख सकते हैं जाके उसके ऊपर। सो वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसमें मैं बेतहा दफा कह चुका हूँ कि तुर्की आके आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। आई एम वन ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप अपने लिए रास्ते बना लेते हैं। मैं जब आया था 2014-15 में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। अभी तो वो इतना चाम बना हुआ है 2023 को लेके, रियल स्टेट मार्केट और इनकी इंडस्ट्री इतनी बूम कर चुकी है कोरोना टाइम्स के बाद से, कि आपको आके सर्वाइव करना बड़ा आसान है। जस्ट आपने करना क्या है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप जिस फील्ड के माहिर हैं, आप वहीं पर ही रहें। अब मसला ये हो रहा है कि हर बंदा आके तो चैनल बना लेता है, हर बंदा आके यहाँ पर प्रॉपर्टी का दफ्तर ज्वाइन कर लेता है, हर बंदा एजेंट बन जाता है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आप जिस फील्ड से आए हो, लैंग्वेज सीखें, आप उसी फील्ड में इन हो, आपको बे इंतहा पोटेंशियल मिलेगी। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब लोग, एक तो ये बड़ा मामला चल रहा है हमारे, जो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ये जो मंगता ग्रुप इकट्ठा हुआ है ना, टीसी ग्रुप, बहुत सारे दोस्त टीसी का लफ्ज जानते हैं, मैं पूरा लफ्ज यूज नहीं कर सकता। ये जो उठाने वाले हैं, इन सारों को बड़े दफ्तरों से कहीं ना कहीं से टिप्स मिलती हैं, खर्चा महीने का, ईदी पे पैसे मिल गए, अम्मी बीमार हो गई है, अबू बीमार हो गया, कह के पैसे ले लिए। तो ये जो टीसी ग्रुप खर्चा ग्रुप है, इन्होंने बहुत गंद मचाया हुआ है। अब कहने को बड़े बड़े नाम है और सारा दिन रोना धोना। अब सीन क्या है, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं या तो अजरबैजान के लिए या कनाडा के लिए। मैं आ जाके बुराइयां तुर्की की हैं भाई, अगर आप कामयाब नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्की बुरा है। हाँ, बहुत सारे दोस्त, अगर कोई एक बंदा मेरे साथ इस चीज पे बैठ के डिबेट नहीं कर सकता कि आप यहां तुर्की में आए, आपने एजेंटियों के अलावा कोई काम किया और आप नाकाम हुए। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए इंडस्ट्रियल एरिया में, आज भी चल रहे हैं ये, जिन्होंने डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस के पास पास और अपने मल्या जो दुकाना खोल लेती है ना, तो वो नहीं चलनी थी। वो डे वन से क्लियर था कि वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो वो नहीं हुए। एनीवे, वापस आते हैं करंट की जो करंट सिचुएशन है उसकी तरफ। सख्ती की हुई है गवर्नमेंट ने इलीगल्स को, वो इलीगल जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, यहां ये पॉइंट बड़ा क्लियर है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उनको तो डायरेक्टली डिपोर्ट किया जा रहा है, और आज से नहीं किया जा रहा, ये 15 जनवरी से काम शुरू हो गया था, लेकिन स्पेसिफिकली लास्ट 2 माह से काफी ज्यादा तेजी है इसमें। दूसरे नंबर पे वो लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गंद मचा रहे थे, उनमें भी मोस्टली इलीगल अफगानी, इंडियन और पाकिस्तानी ही ज्यादा थे, उनको भी सफाया करना शुरू किया। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जो फिगर आ रहा है, जो कि मैं ज्यादा तौर पर अपने शूज में रहते हुए उसे एग्री नहीं हूं, कि 1,84,000 के करीब इन्होंने जी इलीगल को डिपोर्ट कर दिया, थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन सब हो, पॉसिबिलिटी भी है। टर्किश गवर्नमेंट बड़ा सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर काम करती है हमेशा, सो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। एक दोस्त ने शोर मचाया जी, लीगल्स को भी निकाले जाएंगे, जिनके कार्ड बने उनको भी निकाल रहे हैं। यहां मैं स्पीचलेस हूं, क्योंकि इनमें से किसी का नाम लेके अगर आप वीडियो बना दें तो बहुत मिर्चें लगती हैं, फिर 10 बंदे आपको और फोन करते हैं, जो उनका नाम ले लेता है, कर लेता हो, कर लेता। ये बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बाद में, कि जी नाम क्यों ले लेता है, जी जो मर्जी बात कहें लेकिन किसी का नाम ना लें। बात यह है कि यार आप मिसगाइड कर रहे हो, आप एक मिसलीड दे रहे हो कि जी ये हो रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो लोग जिनके किमले कैंसिल हुए हैं, जिन्होंने गलत फेक रेंटल एग्रीमेंट यूज किए, वो लोग जिन्होंने अपना सोर्स ऑफ रेजिडेंसी प्रॉपरली नहीं बताया, अभी करंट जो एक चीज चल रही है, और वो लोग जो तुर्की से कार्ड बनवा के चले गए, उनके उन्हीं एड्रेसेस के ऊपर, चूंकि फेक एड्रेस बने हुए थे, सारा तो झंड माफिया इकट्ठा हुआ था पिछले 1.5 साल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हुई है, ये मतलब 80% जो है वापस चले गए हैं, जो थोड़े बहुत हैं ये भी अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि अभी 6-7 माह बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना, ये भी भाग जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो सफाई हो जाएगी। किसी के रिस्क पे नजर नहीं है, लेकिन 2-2 हजार की TRC प्रॉपर्टियों में 50-50 हजार, 2-2 लाख रुपए के मांझे, इस तरह के लोगों का वापस चले जाने बेहतर है। ये मुल्क के लिए भी बदनामी का बायस थे और वैसे भी। एनीवे, जो करंट सिचुएशन है अभी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो नई चीजें ऐड हुई हैं पुराने रूल्स के अंदर, आपने अगर फर्स्ट टाइम TRC सीकर है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने पहला वीजा या दूसरा वीजा या तीसरा वीजा लिया, लेकिन आप रेजिडेंसी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, विदाउट प्रॉपर्टी नहीं होगी। 6 माह की मिल रही है, साल की मिल रही है, बुरसा आ जाए, अनकरा आ जाए, अजमीर आ जाए, अंतालिया आ जाए, कहीं से नहीं बनेगी।
सॉरी, कहीं से भी आपकी वो रेजिडेंसी जो है नहीं बनेगी। गवर्नमेंट ने एक रूल दे दिया है कि फर्स्ट टाइम के लिए छोटे शहरों से $50,000 और जो बड़े सिटीज हैं उनमें $75,000 की आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे इन दैट केस आपको रेजिडेंसी मिलेगी। और ये एक अच्छा, ये अब इसको पॉजिटिवली देखें यार, ये प्रॉपर्टी $75,000 की है, आप डायरेक्टली बी कैटेगरी में चले जाते हैं बजाय कि आप कैटेगरी ई में रहें। ठीक है, अभी अभी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ रेजिडेंसी को तुर्की ने। सो फायदा क्या होता है, आप 5 साल 6 साल में सिटीजनशिप अप्लाई करने के काबिल हो जाओगे, एटलीस्ट आपको यहां से निकालेगा कोई नहीं। आप को कारोबार करना चाह रहे हैं उसमें आसानी है, आपको जॉब वगैरह देखने के लिए जाएंगे तो आप अपना उस जॉब वर्क परमिट के साथ ऑब्वियसली आप वो आपको इजीली मिल जाएगी। बहुत सारे चीजें हैं जो चेंज हुई हैं जिनको मैं बहुत लंबे एक वीडियो में नहीं लूंगा, मैं छोटे छोटे वीडियोज में सबको अटैक करता जाऊंगा। करंट सिचुएशन को लेकर ये दो चीजें सिर्फ मैटर कर रही है। पहली TRC फर्स्ट टाइम के लिए $75,000 या $50,000 डिपेंड करता है कि शहर में आप जाके अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर्टी लेंगे। प्रॉपर्टी $75,000 या $50,000 की नहीं होनी चाहिए, उसकी एक्सपर्टीज और तापू भी आपके पास उतने का ही होना चाहिए। ये बहुत बड़ी अभी भी सो कॉल्ड हमारे जो एजेंट हैं ये ड्रामे कर रहे हैं कि आपकी प्राइस जो है तापू के ऊपर कम लिखी हुई आती है और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी रेजिडेंसी अप्लाई नहीं होगी, वो बाद में वकील कर लो या मतलब दिहाड़ी ऊपर दिहाड़ी लगा रहे हैं ये लोग ना, फायदा कोई नहीं होगा। सो जो दोस्त आ गए हैं जिनके साथ ये हाथ हो चुका है, सिंपली आपके पास प्रॉपर्टी तो है ना, वापस जाएं, दोबारा आए, उस प्रॉपर्टी को स्विच कर लें या दोबारा एक प्रॉपर्टी लेके $75,000 या $50,000 जो है पूरा करके अपना रेजिडेंसी को आप होल्ड करें। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी के अलावा जो कारोबार के ऊपर आपको कहा जा रहा है जी कंपनी खोल लो तो एक बन जाएगा, नहीं होगा, कंपनी खोल के आपकी रेजिडेंसी नहीं बनेगी। मोर ओवर एक दोस्त ने डाल दिया जी पता नहीं कितने हजार कंपनियां पाकिस्तानियों की बंद हो गई और फॉरनर्स की, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो कंपनीज जो रजिस्टर्ड हुई लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं थी, जो रजिस्टर्ड हुई और ऑपरेशनल नहीं थी और उनके ऊपर बहुत ज्यादा अगेन एजेंट माफिया बहुत ज्यादा वो भेज भेज के ना उन कंपनीज के ऊपर इनविटेशन लेटर्स एक्सेप्टेंस लेटर्स बना बना के स्टूडेंट्स को और टूरिस्ट को भेजे जा रहे थे, उनके ऊपर जरा गवर्नमेंट ने डंडा मारा है। बाकी कंपनीज चल रही है, जो लोग प्रॉपरली टैक्स पे कर रहे हैं काम कर रहे हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, सख्ती जरूर की है चेकिंग और ये वो जो बेतहा रंग बिरंगे, यहाँ बहुत सारे लोग दावे करते हैं जी साड़ियाँ 40 ब्रांचा ने तो 2,000 बंदा अलाउ ही नहीं है। अगर आप बड़ा सिंपल सा कानून है ये भी चले साथ क्लियर कर दूं, अगर आप कंपनी बनाते हैं तो ये 5 मुलाजम रखने की जरूरत नहीं है, आप अकेले बैठ के 2 लोग बैठ के भी काम कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आप एक फॉरनर मुलाजम रखोगे वहां पर 5 तुर्कों की शर्त लाजिम है। अगर आप अपना दूसरी कंडीशन, अगर आप अपना वर्क परमिट लेने जाते हो तो उस वर्क परमिट को लेने के लिए आपके पास 5 तुर्क मुलाजमीन का उस कंपनी के अंडर होना जरूरी है, अदरवाइज 5 मुलाजम रख के कारोबार करना कोई लाजमी शर्त नहीं है। सो करंट हालात रेजिडेंसी और प्रॉपर्टी को लेके तो सिर्फ इतनी ही चेंजिंग है, इसके अलावा जो अला बला ABCDEFG चल रही है ना वो सिर्फ व्यूज के लिए, उसके उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियोज जो है वो कंपनी लॉ से रिलेटेड है, TRC के जो मेन इश्यूज आ रहे हैं उससे रिलेटेड है, आप कौन सी प्रॉपर्टीज लेके सिटीजनशिप की तरफ जा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज लेके उल्टा फंस जाएंगे, प्रॉपर्टीज की वैल्यू तो मैं चीजों पहले बहुत बता चुका हूं लेकिन इन चीजों को हम दोबारा एड्रेस करने का टाइम है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह जो मैंने यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टर्स का ग्रुप था उसको मतलब एक जगह पर गैदर करके तो हमने जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं वो वन बाय वन मैं आपको फेंकता जाऊंगा इन वीडियोस के अंदर ही, उसमें आपको ये फायदा होगा कि वो प्रॉपर्टियाँ वो भी देख लेंगे जो हमारे पास होगी जो हमारे पैनल पे होगी और आपको एक अच्छा तजिया करने की एक अच्छा सर्वे आपको मिल जाएगा कि आप उन चीजों को सामने रखते हुए मार्केट से जो चीजें आपको मिल रही होंगी एटलीस्ट आप फ्रॉड से बच जाएंगे। हो सकता है हमसे सस्ती मिल जाए, हो सकता है वो चीजें आप हमसे आपको महंगी मिल रही हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होगा कि हाउ टू बाय, हाउ टू अवॉइड स्कैम्स और आपने किस तरह से किन चीजों को करना है किनको नहीं करना। सो सब्सक्राइब करें इस नए चैनल को, पुरानी वीडियोस को भी देखते रहें, उनसे भी आपको बहुत मदद मिलेगी और इंशाल्लाह आने वाली हर वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगी। चूरन मंजन मैं नहीं बेचता हूं, ये जो यहां लोग मौजूद हैं जो मुझे पिछले 5-6 साल से जानते हैं यहां पर उन्हें पता है मेरी आदत का, जो चीज़ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।